आज का टॉपिक रहेगा एरियाज, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, आई होप कि आपने वो वीडियोस को देखा होगा, अच्छे से क्लियर होगी आपको वो वीडियोस। आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, विच इज एप्लीकेशन एरिया ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम की क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, क्या क्या यूजेज हो सकते हैं इसके, आप ये भी कह सकते हो। बट इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम के एप्लीकेशन एरियाज के बारे में हमें बताना है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पर यूज हो सकता है। एक किस्म से कहें तो मेरा जो ये टॉपिक है वो सेम ही है, बट इसको थोड़ा हमें मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन एरियाज हैं और वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमें एरिया फील्ड के बारे में बताना पड़ेगा पूरी की पूरी, कि कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। एक तो एग्जाम्पल भी हम इसमें दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। फर्स्ट जो आता है वो आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? केमिस्ट्री आप जानती हैं, केमिस्ट्री क्या होता है? एक तो जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर हमें मेडिसिन मिलती है, वो भी केमिस्ट्री की शॉप होती है ना। तो हम केमिस्ट्री के फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पर। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस एक्सपर्ट सिस्टम्स इज द असिस्टेंट दे प्रोवाइड टू द लेबोरेटरीज टेक्निकल थ्रूपुट एंड गिवन द एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट करवाने में अब हमारा ब्लड तो ले लेगा डॉक्टर, पर डॉक्टर या फिर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरीज में, लैब में, वो कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट? सोचो कैसे एक्सपेरिमेंट होगा। ऊपर से वो मशीन की हेल्प से तो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि कौन से डिसीजेज है, कौन से नहीं है, क्या किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको चेक करके वो बताए। अब देखते हैं ना, सिर्फ एक बार ब्लड लेने से वो 3 से 4 टेस्ट एक बार में कर लेते हैं, कैसे? थोड़ा थोड़ा ड्रॉप लेकर, हर एक एक्सपर्ट सिस्टम से वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। एक जैसे सपोज करो कि कोल्ड एंड कफ का चेक करने के लिए अलग है, फिर जो ब्लड से रिलेटेड डिसीजेज है उसको चेक करने के लिए अलग मशीन है, और किसी चीज़ से रिलेटेड और किसी डिसीजेज से रिलेटेड एक अलग एक्सपर्ट सिस्टम है। तो सबका अलग अलग काम है, सबको वो एक ही ब्लड चेक करना है, बट उसके ब्लड में से जो भी वो चेक करेगा ना, वो चेक करने वाली जो थिंग है, चीज़ है, ये कहें पॉइंट है, वो सब अलग होगी। एक एक्सपेरिमेंट सिस्टम ये चेक करेगा कि ब्लड में कोई कमी नहीं है, दूसरा ये चेक करेगा बॉडी में कितनी कमी है, माइंड में कितनी कमी है, ये कौन सा डिसीज है, कौन सा नहीं है, है ना। तो अलग अलग काम के लिए हम ब्लड को टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरीज में। ब्लड को टेस्ट करने के लिए कोई डॉक्टर या लेबोरेटर सिर्फ अपनी आई से देख के तो बता नहीं देगा इस ब्लड में क्या कमी है, कि आप पे ये चीज़ की कमी है या नहीं है जिस चीज़ का आप चेकअप करवा रहे हो। तो वो एक सिंपल सी बात है कि एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज़ करेगा, है ना। तो केमिस्ट्री के प्लेस पर भी एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, असिस्ट करता है उस केमिस्ट्रियर को या लेबोरेटर को, जहाँ पर लेबोरेटर उसको इनपुट देता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए और आउटपुट उसको पता लग जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अब कंप्यूटर साइंस में इस कंप्यूटर सिस्टम तो होंगे, और एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में स्पेसिफिकली अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एक्सपर्ट है, उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला फील्ड हमें यही लिखना है कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशंस इन द कंप्यूटर साइंस एरिया दैट हैव बीन कंसर्न विद द डिजाइन और डायग्नोसिस वेयर इज कंप्यूटर सिस्टम। इसके कहने का मीनिंग है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अंदर से एक स्पेशल एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस के एरिया की, वहाँ पर यूजली कंप्यूटर साइंस का यूज होता ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस हैज बीन द कंसर्न विद द डिजाइन एंड डायग्नोसिस एरिया, डिजाइनिंग के लिए भी और डायग्नोस करने के लिए भी कंप्यूटर साइंस के वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डार्ट, डार्ट क्या है, डायग्नोसिस वर्ल्ड इन द हार्डवेयर ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोज करने के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम यूज किया जाता है, विच नेम्स इज डार्ट, जिसका नाम क्या है, डार्क है, डार्ट। नेक्स्ट जो आता है फील्ड वो आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या है, इन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एरिया में एक्सपर्ट सिस्टम हैज बीन अप्लाइड टू सच प्रॉब्लम्स एज क्रॉप मैनेजमेंट। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि इसने प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल भी दिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट दिया है इसने क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप को मैनेज कर पाना। अब क्रॉप लगा तो दी, उसको मैनेज करना है, ये बताना कि किस दिन कितना पानी देना है, कितने दिन बाद देना है, कितना क्वालिटी होनी चाहिए सीड्स की, सब कुछ बता सकता है वो। इंसेक्ट्स कंट्रोल, इंसेक्ट्स में जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं क्रॉप के लिए, तो कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं, अगर जो ख़राब है उनसे कैसे बचाया जाए अपनी क्रॉप को, ये सब बता सकता है एक एक्सपर्ट सिस्टम। प्रोडक्टिविटी कंसिडरेशन फॉर द राइजिंग क्रॉप को,
कि अपने क्रॉप को कैसे हम राइज करें, कितना अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, कैसे बढ़ाएं, वो सब भी डिटेल दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल प्लांट, यहाँ पे प्लांट नेम से एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए प्रोडक्ट द डैमेज टू कॉर्न कॉज बाय द इन्वेंशन ऑफ द ब्लैक कटवर्म्स। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना कटवर्म्स, कटवर्म्स में से जमीन में उगने वाले कीड़े होते हैं, उनकी वजह से कोई भी क्रॉप फसल खराब हो जाती है, कौन से ऐसी है जिनकी वजह से डैमेज होती है, वो सब बताता है। अब जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी यूज़ किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम को। इन द एरिया ऑफ द इंजीनियरिंग डिजाइन डायग्नोसिस कंट्रोल टू अपेयर द डोमिनेट दिस एप्लीकेशंस। यहाँ पे कौन से टाइप का, कौन से नेम का सिस्टम यूज किया जाता है, पीस, पीस नेम से, PEAC। एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप बाय द सिस्टम इंजीनियरिंग इन द डिजाइन इलेक्ट्रॉन बल्ब्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो बल्ब होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाएगा जिसका नाम पीस है। ठीक है, वो क्या काम करता है, बल्ब बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स। फिर कौन सा है, प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। प्रोसेस को मॉनिटर करना, मीन्स देखते रहना, उस पर कंट्रोल रखना, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। सिस्टम फॉलोइंग इन दस क्लास एनालिसिस इज रियल टाइम डेटा फॉर द फिजिकल डिवाइसेस विद द गोल ऑफ नोटिफाइंग एनोमलीज प्रोडक्शन स्ट्रेंस कंट्रोलिंग एंड बोथ ऑप्टिमाइज्ड फेलियर कलेक्शंस। इसका कहने का मतलब है सिस्टम डाउनफॉलिंग। सिस्टम में क्या होता है, जैसे डाउनफॉल हो जाता है सिस्टम में, डाउनफॉल मीन्स सिस्टम चलते चलते बंद हो जाता है या उसकी जो परफॉर्मेंस की स्पीड है या नॉर्मली परफॉर्मेंस है वो डाउन होती रहती है, डिग्रेड हो रही है। दिस हैज द क्लासेस रियल टाइम डेटा फ्रॉम द फिजिकल डिवाइसेस। यहाँ पर फिजिकल डिवाइसेस से हम रियल टाइम का डेटा लेंगे विद द गोल अरेंजमेंट एनोमलीज, मीन्स एक जैसे एनोमलीज आ जाना। एनोमलीज मीन्स कहीं तो आप शुद्ध हिंदी में बाधाएं बोल सकते हो, रुकावटें आना। प्रोडक्शन ट्रेंडिंग कंट्रोलिंग ऑप्टिमाइजिंग द फेलियर करेक्शन, जिससे हम उसको चेक करें और जो भी आ रही है प्रॉब्लम्स उनको करेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए रियल टाइम सिस्टम डेट एक्टिवली मॉनिटर्स प्रोसेस कैन बी फाउंड टू स्टील मेकिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, जहाँ पर स्टील बनाया जाता है, स्टील से रिलेटेड चीज़ें, और जहाँ पर ऑयल को रिफाइन किया जाता है वहाँ पर इस टाइप के एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है जो कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल रख रहे हैं जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जितना भी टास्क हो रहा है उस पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने, बचे पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।